हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू हुई अभी एक ही दिन हुआ है और अभी से परीक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग नकल की फ्री परीक्षा करवाने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन यहां तो 12वीं का पेपर ही लीक हो गया। जी हां, ये मामला है चरखी दादरी जिले का, जहां शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में चरखी दादरी जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सबरवाल ने कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर वायरल होने का मामला सामने आया, जिसकी जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि पेपर कहां से वायरल हुआ है। चरखी दादरी जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सबरवाल ने कहा कि घटना के बारे में शिक्षा बोर्ड को अवगत कराया गया है और आगे शिक्षा विभाग द्वारा जो भी निर्देश मिलेंगे वही कार्यवाही की जाएगी। हमें पता चला कि पेपर वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, तो इसके लिए मैंने सभी फ्लाइंग जितने भी हैं उनके पास भी मैसेज कर दिया है कि भाई इसकी और सतर्कता बरतें हैं। हमारे SDM साहब से भी मैंने बातचीत कर ली है, माननीय DC साहब के दिशा निर्देश के अनुसार उनके नेतृत्व में ADC साहब ने भी हमारी मीटिंग ली है और सख्त आदेश जारी कर रखे हैं। धारा 144 लागू है, प्रत्येक सेंटर सुप्रिटेंडेंट से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, उनको भी आगाह कर दिया गया है। किसी भी तरह की यहाँ पर चरखी दादरी में कोई पेपर आउट नहीं हो रहा है। हाँ, ये मैंने चेक किया है, एक चीज़ चेक की थी, एक वो कुछ मिल रहा है, बाकी कार्रवाई तो अगली कार्रवाई तो बोर्ड करेगा। हमने बोर्ड को ये पूरा मेल के माध्यम से मैसेज भेज दिया गया है। तो जांच में सर कितना टाइम लगेगा, क्या पेपर भी कैंसिल हो सकता है? ये कार्रवाई बोर्ड के द्वारा की जानी है, हमने बोर्ड को इसके बारे में इतला दे दी गई है और हमने अब प्रत्येक टीम को भी इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि जो पेपर आउट हो रहा है, जहाँ से भी आउट हुआ है, उसकी ड्रेस के ऊपर हमने विशेष ध्यान रखना है। जो ड्रेस बच्चे पहने हुए हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं हम, कि उसको चेक करना है। मैं कम से कम भी 6-7 सेंटरों में मैं खुद पर्सनली चेक किया है और मेरा उसी ड्रेस पे और जो लोहे की रोड जो है, जो वाइट कलर की हो रही है, उसके ऊपर भी मैंने प्रत्येक बिल्डिंग के ऊपर भी नज़र रखी है। पूरे मेरी जो फ्लाइंग स्क्वेड है उनको भी मैंने आदेश कर दिए हैं कि ये चीज़ें आपने स्पेशली चेक करो, ताकि उसकी तह तक पहुँचा जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे चरखी दादरी से ये पेपर लीक आउट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा माननीय DC साहब, ADC साहब, SDM साहब की और हमारे कुशल कटारिया जी नोडल ऑफिसर हैं, उनके मार्गदर्शन में हम बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश जारी कर रखे हैं, यहाँ से कोताही चूक नहीं होने दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी जी तो दावा कर रहे हैं कि चरखी दादरी में तो शिक्षा विभाग की तरफ से नकल फ्री परीक्षा करवाने के पुख्ता इंतजाम किए हैं, यहाँ से ये पेपर लीक नहीं हुआ है। चलिए अगर ये मान भी लिया जाए कि चरखी दादरी से नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हुआ ही है, जिसे ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा विभाग के नकल फ्री करवाने वाले दावे साफ तौर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।